हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी जगह। कैसे हैं आप? पिछले हफ्ते लाइफ बहुत टफ रही मेरी, इसीलिए मैं कुछ शूट नहीं किया, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ नहीं किया। आज जो आप इस ब्लॉग में फुटेज देखेंगे, ये उसके पहले की है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब इट वॉज रियली रियली बैड। मतलब बस आई थिंक आई वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ बीइंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। इतना गंदा फूड पॉइजनिंग का बाउट हुआ मुझे, तो इतनी बीमार मैं कभी नहीं हुई थी इसके पहले। एंड आई थिंक इट वॉज़ द हीट, एंड शायद मैंने कहीं पानी गलत हो गया या कुछ गंदा खाना खा लिया, आई हैव नो आइडिया। बट इतनी बीमार मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुई हूँ। एंड हाई वाना एंड सो आई कैन शूट, आई वॉज़ वेरी वेरी सिक। लकीली इवाना वॉज नॉट इन टाउन, वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पूना गई हुई थी 5-6 दिन के लिए। सो इट वॉज जस्ट मी एंड कौतू ने बहुत ख्याल रखा मेरा। एंड आई कुंड, मतलब मैं अपनी सिर्फ आईबॉल्स ही मूव कर पा रही थी, मुझे इतनी वीकनेस थी। एंड अराउंड 8-9 डेज लगे हैं, और येस्टरडे ऑनवर्ड्स मुझे थोड़ी सी नॉर्मल सी लग रही है। एंड जिस दिन आई थिंक वोट किया था, उसके दूसरे दिन से ही मेरी तबीयत खराब, फॉर 9 डेज नाउ। सो या, इट वॉज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट बाई गॉड्स ग्रेस आई एम वेल नाउ एंड आई फील लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बींग अब। तो कुछ शूट किया था उसके पहले, मैंने जो किया मैंने वो जाकर देखिए आप। हेलो, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, आदाब, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आपकी ऋतु। कैसे हैं आप सब लोग? गूगल जी बात कर रही हैं। एनीवे, तो माय बर्थडे वाज ऑसम, इट वाज वेरी नाइस। कौती एंड ईवा मेड इट वेरी स्पेशल फॉर मी। टर्न लेफ्ट ऑनटू जुचिंद्रा, विमानी रोड से गुरुजी मार्ग। एंड बस फिर कल कुछ शूट नहीं किया मैंने। एंड टुडे इज अ ब्राइट न्यू डे, इट्स अ संडे, हैप्पी संडे गाइस। सो गौतू को जाना था एक मीटिंग के लिए, एंड काफी दूर बस सही। चल साथ में चल, कंपनी हो जाएगी, ड्राइव भी हो जाएगी। तो हम निकल गए सुबह अराउंड 9 o'clock को हम निकले। एंड मैंने सुबह जल्दी उठ के सब खाना वाना बना दिया, एंड वी आर आउट नाउ फॉर अ ड्राइव। हम पहुंचे हैं नायगांव तक, रियली फार, ओ माई गॉड। इसलिए जब मुझे शोज के लिए कॉल्स आते हैं कि मैम सेट नायगांव में है या बस सही में, मैं एकदम मना करती थी, बिकॉज आई कॉन्ट इमेजिन ड्राइविंग सो मच। और इतना ट्रैफिक, हम इतने ट्रैफिक पे अटके, मतलब फॉर सो मेनी ईयर्स इस रोड इज जस्ट बींग मेड ओनली, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। मतलब इतना बड़ा ब्रिज बन गया सी के ऊपर, लेकिन ये रोड नहीं बन पाई आज तक। एनी वे, वो तो क्या ही कर सकते हैं। सो या, वी आर ऑन अ ड्राइव एंड ही हैज़ अ मीटिंग, एंड फिर हम रुकेंगे कहीं पर, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, एंड फिर दोपहर तक घर। सो ये वसई विरार जाने के रास्ते में सॉल्ट पैन्स मुंबई में मैंने पहली बार देखे, एंड आई फाउंड इट सो फैसिनेटिंग। ये सब बिग बिग माउंट्स ऑफ सॉल्ट है, एंड कैन यू इमेजिन, इतने साल मुंबई में रहने के बाद मैंने पहली बार ये एरियाज़ में आकर सॉल्ट पैन्स देखे हैं, एंड आई वॉज फैसिनेटेड। इट लुक्स लाइक फ्रेश स्नो ना, विच हैज़ जस्ट बिन एक्यूमुलेटेड ऑन द रोड, सो प्रिटी, एंड इट्स जस्ट सॉल्ट एंड सो मच ऑफ इट। हेलो, गुड मॉर्निंग, इट्स 20th of May, एंड आज वोटिंग डे है मुंबई में, एंड आई जस्ट फिनिश वोटिंग, 2 घंटा लाइन में लग के आई वोटेड। एंड आई अर्ज ऑल ऑफ यू हु आर इन मुंबई टू प्लीज़ गो आउट एंड वोट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हम सब के लिए। जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आपका है, प्लीज़ जाके वोट कीजिए, अपना वोट वेस्ट मत कीजिए। एंड वी आर बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, अब हमारा रूम बनना शुरू हो गया। So we are here now looking for combinations and textures of laminates for our entire room furniture, and it is so confusing because mostly Gautu aur main sab kuch apne aap hi kar rahe hain, the entire designing, and it's a lot of work, and hum bas back and forth laminate dekh rahe hain, finishes dekh rahe hain. And I think after doing up our house, Gautu, yes, we can take up professional projects. Haan, to na, almost 80% yeah, people's houses. So much work and so much detailing we've gotten into.
तो बस अभी हम यहाँ वहाँ घूम रहे हैं एंड लैमिनेट्स ढूंढ रहे हैं. यस मैम. सर्वे कर रहे हैं. हेलो. लैमिनेट्स देखा एक डेढ़ घंटा. बहुत सारे ऑप्शंस पर हमारा सर घूमने लगा. एंड एनी वे आई हैड टू गो आउट. इवाना इज़ नॉट इन टाउन एक्चुअली. तो वन सेकेंड. सो इवाना इज नॉट इन टाउन एंड मैं फ्री बर्ड हूँ क्योंकि इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो आज मेरा प्लान है कि मैं अपनी एक बहुत स्पेशल फ्रेंड को, आई एम गोइंग टू मेक यू मीट हर. शी इज़ वेरी वेरी स्पेशल, बीन इन माई लाइफ फॉर 22 ईयर्स नाउ. आई एम मीटिंग हर फॉर लंच एंड देन आई एम गोइंग आउट टू माई मदर्स हाउस एंड देन आई एम गोइंग टू मीट अनदर फ्रेंड फॉर कॉफी. So I'm here at our favorite restaurant, Chinese cuisine, which is my favorite cuisine, and this restaurant is mainland China, and I'm coming here after so long. And so main show karti thi kyunki saas bhi kabhi bahu thi, and I made some very beautiful friendships on that show, and I'm meeting my friend Komalika after so long. Wo bhi busy rehti hai, main bhi busy rehti hu obviously. So so I'm just waiting for her to walk in, and I'm just so looking forward to this evening. हम मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, हंसेंगे, बहुत सारा मस्ती मजाक. एंड मैं आपको रेस्टोरेंट दिखा दी, इतना सुंदर लग रहा है आफ्टर इट्स बीन कम्प्लीटली रिमॉडल्ड. ये रेस्टोरेंट मेरा, गौती और इवा का कुछ सालों से इट्स बिन आर फेवरेट रेस्टोरेंट फॉर चाइनीज. इनका खाना इज़ लाइक अमेजिंग अमेजिंग. एंड मैं यहाँ पर एटलीस्ट आई थिंक एक साल के बाद आ रही हूँ बिकॉज इट वॉज बीइंग रीमॉडल्ड एंड हुआ ही नहीं आना. एंड मुझे याद है इवाना बहुत छोटी थी, वो कैरीकॉट में होती थी एंड वी यूज़ टू गेट हियर एंड हम यहाँ पे बैठ के चिल करते थे. एंड मेरे क्योंकि इतने सारे गेट टुगेदर्स, बहुत सारे शूट शूज के गेट टुगेदर्स, हम हमेशा यहीं मिलते थे बिकॉज यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगता था सबको एंड द सर्विस इज अमेजिंग एंड दे गिव यू अ लॉट ऑफ प्राइवेसी यू नो इफ यू वांट टू लाइक बिग ग्रुप ऑफ पीपल एंड यू वांट टू जस्ट सिट एंड चिल. सो या आई एम बैक हियर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्यूटिफुल इवनिंग विद कैमल. तो हमने इतनी सारी बातें की मैंने और कैमल ने और हमने इतना अच्छा अच्छा खाना खाया और हम बातें करने में इतने बिजी थे कि हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया. बट या आई वॉन्ट यू टू मीट कैमल. सो वेट. सो कैमल इज वन ऑफ माई ड्यूरेस्ट रिलेशनशिप्स. वी बीन फ्रेंड्स फॉर हाउ लॉन्ग नाउ कैमल? 22 years. 22 years. एंड एंड इट जस्ट गेट्स बेटर विद एज एंड ऑल द टाइम दैट पासिस. कैमल एंड मी ना हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग हर हफ्ते मिलते हैं या हर महीने मिलते हैं, कभी कभी दो तीन महीने भी निकल जाते हैं. बट यू नो द मोस्ट कम्फर्टेबल रिलेशनशिप्स आर रियलाइज इन योर लाइफ आर दैट आप चाहे 6 महीने बाद मिलो लेकिन इट्स इट्स इट फील्स लाइक कि बस अभी कल ही तो मिले थे. सो द लव, हाँ, इट्स अ कम्फर्ट या बिटवीन मी एंड कैमल. सो इट्स वन ऑफ दोज ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ ना वेर आई नो दैट If I call Camel in the afternoon and say, Camel, yaar, chal na yaar, I really need to get out, I really need to talk, I really need to just sit and have fun. And she'll be like, okay, come on, tell me where. And she'll be there, you know. So it's such a beautiful thing to have friends like that. And I feel so blessed that maybe a few, but I have some friends like Camel, you know, who make my life so nice. It's just unbelievable. And she has these two pretty daughters who I get along very well with. And it's just lovely. It's just lovely. I think the beauty of it is that there's no agenda. Yes. That's the key. I think correct. Relationship nowadays, you know, comes with so much of baggage. And we don't have any. Yeah, we don't have any. We just want to meet and we just want to talk and we just want to have a good time and we just want to share each other's lives with each other. And we just like to be there as sounding boards basically. Yeah. For each other. And so, well wishes. Yeah. And well wishes. Yes, absolutely. And just well wishes. I love you, Camel. Same here. Mwah. और हो गई शाम एंड आई एम हियर एट दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन मुंबई कॉल्ड सोहो हाउस टू मीट अनदर वेरी 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 डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड स्पेंड द इवनिंग विद हिम. दिस इज द गाय आई वाज टॉकिंग अबाउट. समबडी हूज बीन इन माय लाइफ. आई एम 13 इयर्स ओल्ड. आई एम 16 इयर्स ओल्ड. यू आर 46 इयर्स ओल्ड. सो या इन योर लाइफ. नो यू एक्चुअली नॉट 46, यू आर मोर देन दैट. दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन ऑब्वियसली. सो ही इज वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड्स रवि. एंड मैं और रवि बचपन के दोस्त हैं. वी ग्रू अप टुगेदर. आई थिंक हम नाइन्थ स्टैंडर्ड. नहीं नहीं, उसके बाद पहले से जानते थे बट दोस्ती प्रॉपर आई थिंक नाइन्थ स्टैंडर्ड सेवन्थ स्टैंडर्ड में हुई. एंड रवि मेरी मम्मी है ना,
मम्मी के बिल्डिंग वाले पीछे वाले बिल्डिंग में रहता है, सो ऑल माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम देयर. सो मैं रवि को बहुत तंग करती हूँ और आज हमारा मिलने का नतीजा भी यही, मेरे को इतना नाइक किया है, इतना नाइक किया है. आई एम नाइस. इफ़ यू आर नॉट नाइस अबाउट मी दैट मीन्स यू आर लाइंग रवि, दैट्स व्हाट इट इज़. तो अगर ही मुझे मेरे बारे में अच्छी बातें नहीं करेगा मतलब ये झूठ बोल रहा है, बिकॉज दैट्स व्हाट ही लाइक्स टू डू, जस्ट ट्रबल मी एंड आई ऑल्सो लाइक टू ट्रबल हिम. सो वी आर मीटिंग टुडे बिकॉज आई ट्रबल्ड हिम एंड ट्रबल्ड हिम एंड ट्रबल्ड हिम. व्हेन आर वी मीटिंग? व्हेन आर वी मीटिंग? व्हेन आर वी मीटिंग? फाइनली वी हैव मेट टुडे एंड ही हैज ब्रॉट मी टू दिस रियली ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स कॉल्ड जूहू हाउस इन जूहू. आई विल शो यू द प्लेस इन अ लिटिल व्हाइल. सो आई एम बैक होम. बड़ा इवेंटफुल डे रहा आज. मैं फ्रेंड्स से मिली दोपहर को भी एंड रात को भी. मेरे बहुत पुराने फ्रेंड्स दोनों एंड बड़ा मज़ा आया पूरा दिन, यू नो, बात करना, गपशप करना. बीच में मॉम के पास भी गई, मॉम को भी मिली, डैड से भी मिली एंड आई हैड अ लवली डे. लवली डे पुराने दोस्तों से मिलकर बातें करना, बैठना, शेयर करना, क्या हो रहा है, कैचअप करना. आई थिंक देयर इज नथिंग मोर ब्यूटिफुल देन दैट. सो आई हैव बीन वेरी लकी एंड ब्लेस्ड दैट वे विद माई फ्रेंड्स एंड इट्स बीन अ टायरिंग डे. अभी अभी बस घर पहुंची हूँ एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक लिए लॉट्स ऑफ लव आपकी रित. और इस दिन की अगली सुबह से मेरी तबीयत हो गई ख़राब. इतनी ज़बरदस्त ख़राब हुई कि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ नहीं किया. बट दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल डे आई हैड, सो आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू नॉनदलेस. सो नाउ आई एम वेल एंड आई एम बैक टू नॉर्मलसी एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. लॉट्स ऑफ लव आपकी रितु.